लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। एलोपैथी अच्छी है या आयुर्वेदा अच्छा है? रामदेव बाबा ने जो भी कमेंट दिए हैं उस पर IMA क्यों कह रहा है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, और क्या लीगली रामदेव बाबा ने जो भी कमेंट दिए हैं उसके बेसिस पर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, मैं हूं मयूर मोगरे। शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले रामदेव बाबा ने एलोपैथी की काफी आलोचना की, एक स्टूपिड साइंस इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया। उसी के साथ साथ जो कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारा देश जहां पर इतने सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें भी रामदेव बाबा के द्वारा ये कहा गया कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, कोरोना पेशेंट्स हैं, उनकी मौत जो एलोपैथी की दवाएँ हैं उसकी वजह से भी हो रही है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब उसके बाद जो IMA है वो एक्शन में आ गया। IMA ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। जो रामदेव बाबा है उनकी छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है, अब इसकी पुष्टि जो है वो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स में अगर हम देखें तो इस क्लिप का रेफरेंस लिया जा रहा है, जहां पर रामदेव बाबा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका बाप भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। अब अरेस्ट किस बेसिस पर किया जाए? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है? देखिए, जब भी कोई डिजास्टर आता है, डिजास्टर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, भले वो अर्थक्वेक आए तो वो भी एक डिजास्टर होता है, अगर सुनामी आए तो वो भी डिजास्टर होता है, फ्लड भी एक डिजास्टर है, साइक्लोन भी एक डिजास्टर है, उसी तरीके से पूरी दुनिया फिलहाल बायोलॉजिकल डिजास्टर से जूझ रही है जो कि कोरोना वायरस है। अब ऐसे सिनारियों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लागू है। अब सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि अगर क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है वैक्सीन हेजिटेंसी से जूझ रहे हैं, मतलब वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, तो ऐसे सिनारियों में अगर लोगों के मन में कोई भी डर पैदा करने की कोशिश करता है वैक्सीन से रिलेटेड कि अगर वैक्सीन जो है वो सही नहीं है, वैक्सीन से आपकी मौत हो सकती है, वैक्सीन से ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड जो भी हम दवाएं दे रहे हैं, जो भी हम उपचार कर रहे हैं, उसके लिए अगर कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है, डर पैदा करने की कोशिश करता है, तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। और इसी का यहाँ पर जो रेफरेंस है वो लिया गया है IMA के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जो रामदेव बाबा है वो यहाँ पर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन में, जहाँ पर पूरा देश कोरोना के केसेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। तो अगर सरकार को यहाँ पर लगता है कि हाँ, जो रामदेव बाबा ने कमेंट दिए हैं, जो भी रामदेव बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, अगर उसकी वजह से लोगों में डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो वैक्सीन है उसकी हेजिटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर जो उपचार यहाँ पर कोरोना के लिए किया जा रहा है उस पर ये रुकावट लाने की कोशिश हो रही है, तो रामदेव बाबा जो है उनको यहाँ पर अरेस्ट भी किया जा सकता है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो अब यहाँ पर सिनारियो जो है वो आता है रेफरेंस पर कि किस तरीके से आप देख रहे हो। जो उनका पतंजलि है उसकी तरफ से भी बातें निकल कर आ रही थी कि उन्होंने जो व्हाट्सएप वीडियो है उसके बारे में बात की थी, या व्हाट्सएप मैसेज है उसके बारे में वहाँ पर बात की थी, जो भी आलोचना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद रामदेव बाबा जो है वो खुलकर सामने आए। उन्होंने 25 क्वेश्चन रखे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं 25 क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ, खासकर जो एलोपैथी उनकी तरफ उन्होंने उस क्वेश्चन को ढकेला। अब उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन व उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए निर्दोष स्थायी समाधान है क्या? एलोपैथी के पास type 1 व type 2 डायबिटीज व उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? ऐसे 25 क्वेश्चन जो है वो उन्होंने दिए हैं। अभी सिनारियों के बाद से लोग भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ लोग आयुर्वेदा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एलोपैथी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो आयुर्वेदा है ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग डिसीजेज पर इसके उपचार जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस हमें देखने को मिलता है, मॉडर्न टाइम में लाया गया देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। और अगर बेसिक डिफरेंस देखते हैं दोनों में, तो जो आयुर्वेदा है ये डिसीज को जड़ से मिटाता है, और अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो उनका कहना ही ये है कि जब आपको सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स पर उपचार करना ये एलोपैथी का काम है, मतलब अगर आपको बुखार आया है तो बुखार को कम करना ये एलोपैथी का काम है। अभी देखिए, करंट सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर अगर हम कॉम्पीट करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन बेहतर है, तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जो कोरोना है ये इतना बुरी तरीके से स्प्रेड हो रहा है और इतने लोगों की जान ले रहा है, तो ऐसे सिनारियों में अगर हम फंसते रहेंगे कि हाँ आयुर्वेदा जो है ये बेटर है, जो एलोपैथी है ये बेटर है, तो यहाँ पर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो वैक्सीन हेजिटेंसी और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, लोग जो है वैक्सीन लेने से डरेंगे, लोग जो है वो टेस्टिंग करने से डरेंगे।
अभी सिचुएशन ये है कि हमें कोरोना को मात कैसे करना है वो देखना पड़ेगा, और इसमें अगर हम दोनों को कॉम्पीट करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ज़्यादा बेटर कंडीशन जो है वो यहाँ पर हो सकती है। मतलब जहाँ पर आयुर्वेदा शॉट गिर रहा है वहाँ पर हम एलोपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर एलोपैथी शॉट गिर रही है वहाँ पर हम आयुर्वेदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज के टाइम पर अगर हम देखें तो पूरी तरीके से हमने आयुर्वेदा को भी एक्सप्लोर नहीं किया है, हो सकता है कि उसमें भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन बचे हुए। उसी के साथ अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन जो है अभी भी बचे हुए हैं। अब दोनों के तरफ से जो पॉइंट्स रखे जाते हैं, जो आयुर्वेदिक लोग हैं उनकी तरफ से जो पॉइंट्स रखे जाते हैं, जो एलोपैथी वाले हैं उनकी तरफ से जो पॉइंट्स रखे जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि जो एलोपैथी वाले हैं वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पर हम ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं वो कई सारे ट्रायल फेजे से गुजरता है, इसीलिए ये गलत है, ये कहना यहाँ पर काफ़ी गलत हो जाएगा। क्योंकि इतने बार इसमें टेस्टिंग होती है, इतने सारे लोगों पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं उसको लाई जाती है बाजार में। अब आयुर्वेदा जो है उनका ये कहना है कि जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ होती है, ये यहाँ पर साइड इफेक्ट ज़्यादा करती है ना, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिलता है। एंड अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही निकलता है कि कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो बेनिफिट हमें एलोपैथी का देखने को मिलता है वो ये है कि इंस्टेंटली उसका इलाज जो है हमें देखने को मिल जाता है। वही अगर हम आयुर्वेदा देखते हैं कि इंस्टेंटली अगर किसी को कुछ तबियत खराब हो गई है, इंस्टेंटली अगर उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें एलोपैथी जो है काफ़ी ज़्यादा सहारा देती है, जो कि आयुर्वेदा जो है वहाँ पर उसका शॉर्ट हमें देखने को मिलता है। रैदर मैं ये कहूँगा कि अभी तक उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हो सकता है कि उसका भी इलाज वहाँ पर हो लेकिन अब तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और इसी का जो सहारा है वो लेकर जो एलोपैथी की लेडी है उन्होंने कहा कि जब जो बालकृष्ण है, जो रामदेव बाबा से जुड़े हुए हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, तो जब उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी 2019 में, तो उनको फिर एम्स में क्यों एडमिट किया गया, उन्होंने फिर आयुर्वेदा जो है उसी का सहारा लेकर खुद को ठीक क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने के बजाय, यहाँ पर ज़रूरत है कि दोनों को साथ में मिलकर किस तरीके से काम किया जाए। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों अगर एक दूसरे का हौसला अफजाई करेंगे, दोनों अगर एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर जो हमारा इतना क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इससे हम बाहर निकल सकें। तो इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।